मेरे कैरेक्टर तो हर कोई ऐसी फिल्में में बबली होती हूँ हर फिल्म में, सो आई एम टायर्ड ऑफ दैट क्वेश्चन. बट ऑब्वियसली दिस इज़ अ गर्ल हु इज़ वेरी वाइब्रेंट, क्योंकि बहुत यंग लड़की है तो ऑब्वियसली लाइफ के लिए बहुत ड्राइव है और हर चीज़ करना चाहती है, बहुत हार्ड वर्क करना चाहती है, पढ़ाई भी करती है और काम भी करती है. सो समवन वांट्स टू डू अ लॉट विद हर लाइफ बेसिकली. आई थिंक हर एक्टर को जिस तरह वो दिखते हैं उसी किस्म के रोल सबको मिलेंगे. आई थिंक दैट इफ़ यू नो आई लुक अ सर्टन एज एंड आई लुक अ सर्टन काइंड ऑफ यू नो पर्सनैलिटी, तो उस किस्म के ज़्यादातर रोल्स मिलते हैं. बट एज एन एक्टर इट्स इंपॉर्टेंट कि एक्सपेरिमेंट करते रहे. जैसे डोर यू नो मैंने की थी, ऑब्वियसली इवन देयर आई प्ले अ वेरी यंग गर्ल हु इज़ यू नो हैज़ दैट यू नो ड्राइव फॉर लाइफ. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सपेरिमेंट. नागेश एक्चुअली ने मुझे कहा कि आयशा टाकिया नाम सोच के मैं कभी आपको नहीं बुलाता, क्योंकि यू आर दिस वेरी ग्लैमरस बबली कमर्शियल फिल्म एक्ट्रेस. लेकिन उन्होंने सोचा ना था देखी, और फिर नसीर साहब से बात की कि उन्होंने भी मुझे साइन की थी तभी यू होता के लिए, और फिर ही गॉट कन्विंस दैट यू नो मे बी ही शुड स्पीक टू मी. और जब उन्होंने स्क्रिप्ट नरेट किया आई वॉज वेरी एक्साइटेड. आई सेड आई हैव टू डू दिस फिल्म एंड इट वर्कड आउट फ्रॉम देयर. क्या लव स्टोरी है? ऑब्वियसली लव स्टोरी है. फिल्म प्यार के बारे में है, फ्रेंडशिप के बारे में है, यू नो अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ के बारे में है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में है. सो बेसिकली इट्स अ वेरी स्वीट लव स्टोरी, लेकिन वो नहीं इतना ड्रामेटिक. बहुत ही सिंपल, बहुत ही यंग, बहुत ही टुडेज लव स्टोरी. इस गाने में मेरे बहुत डांस स्टेप्स नहीं हैं. बेसिकली तुषार इज़ डूइंग मोस्ट ऑफ द डांसिंग. लेकिन इट्स अ क्लब सॉन्ग, सो बहुत ही अपबीट नंबर है वो, जो आप यू कैन इमेजिन कि मैं गाड़ी में आई एम ड्राइविंग, आई कैन लिसन टू दिस ऑन माय रेडियो, या यू नो यू पिक्चर इट प्लेइंग ऑन MTV. यू नो इट्स समथिंग दैट्स वेरी अपबीट. बहुत टेक्नो है बैकग्राउंड में, द वर्ड्स आर रियली कैची, सो इट्स वेरी गुड. No, Lovely is really, really a lovely guy. He's very sweet. उनको शादी से पहले पर मैं पहली बार मिली थी. वो सतीश जी के असिस्टेंट काफ़ी देर से रह चुके हैं, और ही इज़ रियली रियली हैज़ अ रियली गुड विजन एंड रियली मॉडर्न सेट एंड एवरीथिंग एज मेकिंग वेरी कूल लुकिंग रियली नाइस. एंड इट्स लवली टू वर्क विथ पीपल जो जिनका विजन नया हो, एंथुजियाज्म हो कि मेरी पहली फिल्म है, सो एवरी शॉट हैज़ टू बी द बेस्ट, एवरीथिंग हैज़ टू बी द बेस्ट. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन टू वर्क विथ पीपल लाइक दैट. आई थिंक जो भी फिल्म मैं अभी साइन कर रही हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ कि मैं क्या कर रही हूँ फिल्म में, यू नो, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स आई थिंक स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ द करियर, बड़े बैनर, बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े एक्टर में यू गेट कॉट अप इन दैट, और उसमें आप कहीं कहीं खो जाते हो. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट एज एन एक्ट्रेस टू डू समथिंग दैट्स मोर सब्सटैंशियल. जैसे इस फिल्म में, क्या लव स्टोरी में, मेरा रोल बहुत स्वीट है, इट्स रियली सब्सटैंशियल, इट्स रियली नाइस, एंड यू नो आई वुड वॉन्ट टू प्ले समथिंग लाइक दैट. सो आई एम लुकिंग एट मोर रोल्स दैट आर एक्साइटिंग मी मोर. बहुत सारे लोग. या इट्स अ रियली बिग स्टार का सलाम ए इश्क, बट इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म. एंड यू नो लाइक मेनी मल्टी स्टारर्स, लाइक शादी नंबर वन, विच द स्टार द थ्री वाइज डिडंट हैव एन आइडेंटिटी, दे वर जस्ट थ्री वाइज एंड दीज आर थ्री हस्बैंड्स. दैट्स व्हेन यू रियली गेट लॉस्ट इन अ फिल्म एंड यू वंडर व्हाई यू डिड दैट. बट इन अ फिल्म लाइक सलाम ए इश्क एवरीबडी हैज़ द आइडेंटिटी, यू नो आई एम प्लेइंग अ गर्ल कॉल्ड जी, आई एम नॉट जस्ट प्लेइंग अ वाइफ और अ गर्लफ्रेंड, यू नो. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर कि आपका आपकी आइडेंटिटी हो, आपका कैरेक्टर स्केच सही हो, देन यू ऑलवेज फाइंड योर प्लेस. सलाम ए इश्क की शूटिंग तो मोस्टली कंप्लीट है, हमारा एक गाना बाकी है और एक छोटा सा सीन बाकी है. हाँ, निखिल इज़ रियली एंथुजियास्टिक, वो सबको रशेस दिखाते हैं, और उन्होंने कहा ऑब्वियसली जब हमने पहली शेड्यूल की कि कम एंड सी द रशेस, और मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. ऑफ कोर्स इट्स दिस वेरी वेरी एंटरटेनिंग कमर्शियल, यू नो, ब्यूटीफुल लुकिंग फिल्म. एंड आई रियली लव्ड ऑनेस्टली इवन ऑल द अदर एक्टर्स, क्योंकि सबकी रशेस देखी मैंने एंड आई थिंक इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट. तुषार इज़ अ रियली स्वीट बॉय. ऑफकोर्स हम सिर्फ दूसरे दिन हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं, ओनली द सेकेंड डे, सो आई डोंट नो हिम दैट वेल, लेकिन बहुत ही कम्स अक्रॉस वेरी प्रोफेशनल, वेरी स्वीट, बहुत हार्ड वर्किंग, एंड आई एम श्योर ही रियली सूट्स द रोल वेल. दैट्स व्हाई लवली इज़ कास्ट हिम, एंड आई एम श्योर वील ऑल मेक अ रॉकिंग फिल्म टुगेदर.
जैसा से मैंने कहा जो भी फिल्म मैं अभी साइन कर रही हूँ इट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माय रोल सो आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नो मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर मी व्हेन आई एम साइनिंग अ फिल्म मेरा रोल क्या है वो देख के ही मैं साइन कर रही हूँ हर इंटरव्यू में मुझे पूछते रहते हैं इतना कि मैं अभी एक दिन तो आंसर ही नहीं करने वाली हूँ बट इट्स नॉट ट्रू अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली बता दूंगी सबको आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू हाइड ऐसे नहीं कि मैंने किसी का खून किया है इफ़ आई एम क्विटिंग आई विल डेफिनेटली टेल एवरीवन बट आई एम नॉट मैं इतनी फिल्में साइन कर रही हूँ मेरी फिल्में है फ्लोर पे रिलीज हुई है हो रही है सो और अभी आई एम जस्ट 21 एंड आई रियली डोंट हैव द मेंटल इंक्लिनेशन टू क्विट आई एम वेरी मच हैव द ड्राइव टू वर्क राइट नाउ I don't think rumors. I think industry में एक चीज़ I think most film industry people don't take seriously is rumors क्योंकि सब के बारे में इतने rumors होते हैं कि सब जानते हैं कि it's all rubbish. So I think no. I think people who want to work seriously will approach people who are working. मेरी ऐसी फिल्मों से काफ़ी अलग थी माहौल बिकॉज इट वॉज मोर सीरियस इट वॉज़ मोर हम 48 डिग्रीज हीट में हम हंसने का तो एनर्जी ही नहीं था हमारा बट आई थिंक इट्स बेसिकली अ फिल्म जहाँ ट्रू इंसिडेंट पे है इट्स नॉट अ स्टोरी अबाउट कॉमेडी एंड यू नो फनी डायलॉग्स इट्स अ ट्रू लाइफ स्टोरी एंड इट्स अ सीरियस सब्जेक्ट तो देर इज़ लेस ऑफ जोकिंग ऑन द सेट एंड मोर सीरियसनेस डेफिनेटली किसने कहा है ये कि दो लड़कियां एक साथ इट्स ऑल रबिश आई थिंक कि अगर हम यू नो फोर्थ स्टैंडर्ड में होते तो शायद प्रॉब्लम होता वी ऑल ग्रोन अप्स हम प्रोफेशनल हैं सेट पर जाते हैं काम करके घर वापस जाते हैं सो नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम्स विद ईच अदर ऑल ऐसे नहीं है कि मैं दोनों को सेपरेटली यू नो डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन देम आई थिंक दैट अ गुड फिल्म इज अ गुड फिल्म वेदर इट्स अ बिग फिल्म और इट्स अ स्मॉल फिल्म So you can't say ki bade banners achhi film mein nahi banate they make great films and small banners don't they also make really good films these days so it's just quality films are quality films जो भी मुझे चैलेंज करे यू नो इट्स ऐसे नहीं है कि मैं ये रोल करना चाहती हूँ या कॉमेडी या रोमांस दैट्स स्टूपिड आई थिंक समथिंग दैट एक्साइट्स यू पूरे स्क्रिप्ट शुड मेक सेंस द होल स्टोरी द कैरेक्टर सो इट हैज़ टू जस्ट एक्साइट मी क्वालिटी फॉर श्योर क्वालिटी इज द नंबर वन अभी सलाम है इश्क की बात देताली और फुल एंड फाइनल